Okay, sir, 5 years of journey with Old Balaji, a very good journey. How do you describe the journey? It's an amazing journey and I have been a part of it. Boo Sabki Phatigi is my show which came in 2019. So I've seen all its trajectory from the time it started. And I still remember April 2017 when I was shooting in for Golmaal in Hyderabad. That's when Alt was launched. And where have the 5 years gone? It just flew by, I think, because the shows have been so good. And I have some of my favorite shows also on the platform. So kudos to you, Alt, and all the best for the future. And now you have came for the lockup. Lockup is something new from the old. So Yes. tell us something, the kind of response the lockup is getting is very good. So tell us about the show. As you would know, the concept is reality, and it's about people from various backgrounds and careers being put together in an unnatural environment to see how they react and to have fun with that and to just take human behavior to another level. You know, that is the basic gist of the show, as you know, and that's what makes it so entertaining and so fun. So Lockup, the title suggests, you know, the kind of show that it is. It's in a locked up kind of a jail where these Qaidis are left to go wild. Is there any personal favorite in the show? I don't have any personal favorites, but I've worked with Mandana, so I can say that, you know, I'm supporting her amongst the others. The rest, they're all good, but just first thought comes is Mandana because she's from Kya Cool. And how do you see Kangana ma'am as a host? Kangana is a great host. She's so good vocally, and she's such a fearless individual. She's a true warrior. So I think she's like the jailer here, right? So no one better than her to be a jailer for these crazy Qaidis. Thank you so much. Thank you. Done. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. मैम रेडी होके आ रहे हैं, फिर करते हैं भाई। एकता जी, अभी मत करो, अभी मत करो, अभी रुक जाओ। एकता जी, एकता मैम, एकता मैम नीचे हो? एकता जी, यहाँ पे एकता जी। एकता जी, दादा 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 थोड़ा कैसे मैम? एकता जी यहाँ पे, एकता जी मेरे पास पीछे 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 पीछे। एकता जी इधर पीछे एक स्टेप। इधर नहीं देखा एकता जी। एकता जी इधर। चलो अभी रेडी होके। हो गया, बाय। अरे थोड़ा पीछे लिप में रहो भाई। अरे भाई अपने आए हैं तो एकदम वो पुलिस से बन के और साथ सर यहां पे लिप में की आउटफिट वही लुक है, वही फील है। भाई फर्स्टली गुड टू सी यू। ओल्ड बालाजी 5 इयर्स कंप्लीटेड हो गए। यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद। मैंने तीन शोज किए ओल्ड बालाजी के। एक क्रैश था, एक ओल्ड बालाजी का क्लास ऑफ 2020 था, और इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है एक दो महीने में। तो तीन शोज कर चुका हूँ मैं, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला कि मैं ओल्ड फैमिली का हिस्सा बना। और आज सेलिब्रेट करने के लिए हम आए लॉकअप के अंदर, तो बहुत खुशी की बात है। लॉकअप के अंदर आप पुलिस मैन की जैसे थोड़ा दिखा सकते हो कैमरा में, तो ये कुछ स्पेशल लग रहा है जी? हाँ ऑब्वियसली, मैं भाई कैदी बन के तो जा नहीं रहा हूँ, तो मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो वही कैमोफ्लाज लुक, मिलिट्री आउटफिट तरह का, और साथ में पुलिसिया की जैकेट पहनी मैंने, कि कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूँ तो ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे पुलिस आ रही है। तो वैसे दिस रियलिटी शो इज समथिंग डिफरेंट। शो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आई थिंक नंबर वन शो है डिजिटल मीडिया पे, तो बहुत बड़ी बात है और सक्सेसफुल शो है, तो उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, मैं भी बहुत खुश हूँ। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुनावर बहुत अच्छा है, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है वो, और लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसके अंदर, बहुत अच्छा कर रहा है, और मास्टरमाइंड जो कह सकते हैं लॉकअप का, वो वही है। एंड हाउ डू यू सी कंगना मैम एज अ होस्ट?
कंगना मैम तो अब सबको ही पता है कि जो उनके मन में आता है वो बोलती है, जो उनके मन में आता है वो करती है। बहुत अच्छा शो चल रहा है उनकी वजह से, तो लोग भी उनको देखना पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छी होस्ट है वो। ओके, सो आपको कभी हम देख सकते हैं लॉकअप के शो में इन फ्यूचर? आप ऐसे ही मुझे देखेंगे हमेशा, ऐसे ही, या तो एज अ जेलर आ सकता हूँ मैं, वैसे उस तरह से देख सकते हो, बट एज अ कंटेस्टेंट मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं लॉकअप करूँगा। टॉप थ्री में किसको देखता हूँ? मुझे टॉप थ्री में मुनावर लग रहा है, केवी भाई लग रहे हैं, और आई थिंक और टफ है, थर्ड नाम लेना टफ है। जो मुनावर के साथ जो पेयरिंग हो रही, हाउ डू यू सी दैट पेयरिंग? डू यू सी, डू यू थिंक दिस पेयरिंग इज रियल और बट दे आर डूइंग जस्ट फॉर गेम? एक्चुअली मैंने भी एक शो किया, रियलिटी शो बिग बॉस, तो ऐसे ही मैंने देखा है और लोगों को भी देखा है कि वो ऐसे एक टाइम के बाद फीलिंग आ जाती है, तो मैं उसके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, बट आई थिंक वो रियल ही लग रहा है सब कुछ। वुड यू लाइक टू शेयर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी, जैसे कि मैंने बोला कि क्लास ऑफ 2020 का सेकंड सीज़न आना, वर्ल्ड बालाजी का ही है वो शो, एक महीने में आ जाएगा, और बहुत सारी म्यूज़िक एल्बम्स मैंने की है, एक फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है मेरी खली बली उसका नाम है। सो यार बहुत चीज़ें हैं और बाकी जो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बोलना अलाउड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहाँ घुमा रहे हो भाई? कृष्णा भाई पीछे यार, कैमरा आ रहा है तुम्हारा। भाई यहाँ पे देखो, कृष्णा भाई कैमरा आ रहा है, कैमरे में लूँ ना यार। भाई भाई यहाँ पे तुम्हारा कैमरा आ रहा है, जूम नहीं है रे? नहीं है, पूरा कैमरा आ रहा है तुम्हारा, तो फ्रेम में हटा यार, मैं तो निकाल। चलो बस आ गए, ओल्ड बालाजी को पहले तो कंग्रेचुलेशन, आई वॉन्ट टू टेल देम हैप्पी बर्थडे। इट्स वेरी नाइस दैट देव कम्प्लीटेड फाइव ग्लोरियस ईयर्स। एक्चुअली आसान नहीं है एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए खड़ा रहना इतने टाइम तक, वैन देर सो मच सो मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स विच आर टेकिंग ओवर, लाइक नेटफ्लिक्स इज देयर, अमेजोन इज देयर, बट स्टिल ओल्ड बालाजी हैज स्टूड अप एंड दे हैव गिवन अस सम अमेजिंग कॉन्टेंट। और मैं चाहूँगा कि पाँच की जगह 500 साल ओल्ड बालाजी जिए और जिए, और ऐसे ही कॉन्टेंट बनाता रहे और हम सबको ऐसे एंटरटेन करता रहे। लॉकअप के शो के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक शो है, बहुत ही हसीन शो है। इतना आसान नहीं होता है इतने दिनों तक अपने घर वालों से दूर रहना और टास्क करना और अच्छा परफॉर्म करना और तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, बट जो भी लॉकअप की टीम है बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही प्रोफेशनल है एंड बहुत ही बहुत वो चीज़ें देती हैं जो ऑडियंस को चाहिए, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। एंड आई एम रियली हैप्पी लॉकअप में आने के बाद, एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। एंड हाउ डज इट फील, यू वर आल्सो पार्ट ऑफ ओल्ड बालाजी एज पंजबीट, सो हाउ डज इट फील टू कम बैक? इट फील्स लाइक आई एम बैक होम, इट फील्स वेरी वेरी गुड, इट फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक। द फर्स्ट एवर स्क्रीन प्रेजेंस आई हैड वाज फ्रॉम ओल्ड बालाजी, और उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा ओल्ड बालाजी का। मैंने मेरे परिवार ने सब ने ओल्ड बालाजी बहुत अच्छे से डाउनलोड किया था और आज भी उनके फ़ोन में वो चल रहा है। And do you have a personal favorite contestant inside that lockup? Yes, I do have a personal favorite contestant. My favorite is Zeeshan. He's a very good friend of mine. We work in the same show. And the second favorite is Munawar.
Munawar is doing very well. I like his presence of mind. I like his calmness. I like the way he is addressing the problems of the house, of the jail, sorry. And how do you see Kangana ma'am as a host? कंगना मैम बहुत खतरनाक है, बहुत फियर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल इंसान है. मुझे नहीं लगता कंगना मैम से बेहतर कोई इस शो को होस्ट कर सकता है, क्योंकि वो खुद इतनी बैड एस है, वो खुद इतनी फियर्स है, उनको नहीं डर लगता कि उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या बोला जाएगा. जो उनके दिल में है, दिमाग में है, वो चीज़ बोल देती हैं. रियलिटी शोज के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी रियलिटी शोज करता है तो उसमें लिंकअप्स की खबरें भी आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी किसकी लिंकअप्स की खबरें आ रही है? इस बार लिंक आपको लग रहा है कि लिंकअप है? मुझे पता नहीं है कि कौन लिंकअप है. सभी साथ में ही रहते हैं, आपस में रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, कौन किससे कम मोहब्बत करता है. बट अभी मुनावर और मेरे ख्याल से अंजलि की कुछ कहानी निकल के आ रही थी, तो लेट्स सी वेयर दैट एंड्स. एंड हाँ, रियलिटी शो में क्योंकि अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा, घर वालों से बहुत दूर होते हैं, तो कहीं पर भी थोड़ा सहारा मिल जाता है तो वो लोग ले लेते हैं. तो दैट इज़ वॉट हैपन्स. एंड या लेट्स सी हाउ इट गोज. हम कुछ कह नहीं सकते अभी. फ्यूचर में अगर आपको भी मौका मिला कोई रियलिटी शोज करने के लिए, ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद भी अगर बिग बॉस जाने का मौका मिला तो क्या जाएंगे आप? अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो पता नहीं, नेवर से नेवर. आई डोंट नो कि अगर मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, वो उस मोमेंट पे मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उस मोमेंट पे मुझे क्या लग रहा होगा, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की मुझे क्या कहेगी करने के लिए, वो मैं कर लूँगा. तो अभी थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. अभी सब तरफ मुंबई इधर भी, इधर भी टन भाई, टन इधर भाई, भाई अभी देखिए भाई, भाई यहाँ पे देखो, भाई यहाँ पे देखो ना जरा, भाई सेंटर, अरे रुक जाओ यार, अरे छोड़ रहे, चल लगा घूम लगा. Okay, firstly, Old Balaji has completed 5 years, yes. And you were part of Old Balaji. जी. So tell us how excited are you for? मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है to see Balaji, Old Balaji grow and complete 5 successful years. And I have been a part for a really long time. मतलब 4 साल हो गए मुझे Old Balaji के साथ. तो बस बहुत खुशी हो रही है. एंड आई वुड विश ऑल बालाजी टू कंप्लीट अ लॉट मोर इयर्स ऑफ सक्सेस. एंड एकता ऑफ कोर्स लव यू. सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू मीट एकता मैम? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स बिन अ वाइल आई हैव नॉट मेट हर. शी इज़ बिन रियली बिजी, आई हैव बिन रियली बिजी शूटिंग, सो वील बी ऑन सेट टुगेदर आफ्टर रियली लॉन्ग. तो हाँ, खुशी, एक्साइटमेंट. लॉकअप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. बहुत क्रेजी है, बहुत एंटरटेनिंग शो है. सब लोग इतनी मतलब तेज़ी से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं एंड दे आर वेरी कंपेटिटिव. एंड या इट्स अ रियली गुड शो. इज देयर एनी पर्सनल फेवरेट? या देयर आर टू एक्चुअली, देयर इज मुनावर एंड देयर इज ज़ीशान. बोथ आर रियली गुड. Kangana is always brilliant. I love her performances. I love how honest she is and how upfront she is. And I think this is the best show she's hosting because she just has to be herself. Top 3 mein aap kisko dekhte ho? Top 3 mein I would see Zeeshan, Munawar and Zasha. Thank you so much. Thank you. Krishal ji. Krishal ji, idhar hi rukiye na. Krishal ji, yahi pe ruko. थोड़ा पीछे आ जाओ मैम. यहाँ पे कृष्ण जी, ये वाला कैमरा सेंटर में. अरे तुम जाओ ना, ज़्यादा बोलो. यहाँ पे देखिए ना, कृष्ण जी इधर टर्न हो जाएगी. विशाल घूम लो. पाँच मिनट ओनली फाइव बैठ कर लेते ना. ओके मैम, फर्स्टली ओल्ड बालाजी हैज कंप्लीटेड 5 इयर्स टुडे एंड वी ऑल नो द इक्वेशन बिटवीन यू एंड एकता मैम इज ग्रेट. सो टेल अस समथिंग हाउ अबाउट दिस जर्नी. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे ओल्ड बालाजी, हाई फाइव फॉर ओल्ड. 5 साल हो गए. आई रिमेम्बर
you know, when this idea popped up in Ekta's head and she's like, you know, let's start something OTT, digital, always ahead of her times. And, you know, that's what I love about her. What a woman with a vision. And, you know, my equation with Alt has always been strong. For many reasons, one, because it is my best friend's company, and second, because I do have a show on Alt called Fitrat, so if you haven't seen it, then watch it. And today we are in Alt ke ek aur show, which is called Lock Up. Kis tarah se dekhte ho ye show? Are you following it? जी बिल्कुल, मुझे बड़ा पसंद है ये शो. मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके अलग अलग पर्सनालिटीज़ देखना. सब बहुत प्यार से रहते हैं, टकरार से रहते हैं, थोड़ा रोमांस चल रहा है, थोड़े झगड़े चल रहे हैं और बहुत सारी मस्ती चल रही है. एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट द शो. डू यू हैव पर्सनल फेवरेट? पर्सनल ऐसा कोई फेवरेट होता नहीं है. आई थिंक यू नो एवरी वन हैज़ लिटिल अलग अलग क्वालिटीज़ जो अच्छे लगते हैं. बट आई थिंक गेम अच्छा जो खेल रहा है फिलहाल लड़कों में, आई थिंक मुनावर, लड़कियों में पायल. एंड हाउ डू यू सी कंगना मैम एज अ होस्ट? ऑफ कोर्स शी इज क्वीन कंगना. आई थिंक यू नो द टाइटल रियली सूट्स हर. वो क्वीन है और हमेशा रहेगी. द वे शी कंडक्ट्स द शो एंड द वे वो यू नो बात करती है कंटेस्टेंट से एंड द एपिसोड्स दैट शी इज इन रियली रियली आर वेरी एक्साइटिंग. रियलिटी शोज़ के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में आ जाते हैं रियलिटी शोज़ में. अगर आपको जो है मौका मिले किसी रियलिटी शो में जाने के लिए तो आप क्या? आप रिलेशनशिप में जाने की बात कर रहे हो कि रियलिटी शो में जाने की? रियलिटी शो में जाने की बात कर रहे हो. जी ये सब प्लान नहीं होता है. आई एम श्योर इन्होंने प्लान नहीं किया है कि अंदर जाके रिलेशनशिप में जाएंगे या अंदर जाके एक दूसरे से लड़ेंगे. लेकिन ये हो जाता है. दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि अगर कोई अच्छा लगने लग जाता है ऐसे घर में जहाँ पे अपने नहीं हो तो हो जाता है. मैंने कभी कोई रियलिटी शो नहीं किया है तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा. जब करूँगी तब ज़रूर आपका आपके सवाल का जवाब दूँगी. वुड यू लाइक टू शेयर एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, मेरी फिल्म आ रही है विस्फोट जल्द ही, तो देखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रीति ऑटो, प्रीति डोंट बी बाय लॉकअप का ही तो कांग्रेचुलेशन. अरे धक्का कौन मार रहा है यार? कृष्णा और मेरे को आगे जान दो ना. आगे आओ ना उधर, लेफ्ट लेफ्ट से. हाँ इधर से जाओगे ना. हम बाइट्स नहीं करेंगे, फोटोज करेंगे. छोटा सा बाइट. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. मैम कांग्रेचुलेशन, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए. थैंक यू सो मच. बहुत ही खुश हूँ मैं कि हमारे 5 इयर्स कंप्लीट हो गए एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग. ओल्ड का ये सबसे सक्सेसफुल शो है लॉकअप एंड आई एम सो हैप्पी. आई एम सेलिब्रेटिंग 5 इयर्स ऑफ ओल्ड ऑन द लॉकअप सेट. थैंक यू सो मच.